पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने न सिर्फ शोभा यात्रा करने वालों पर कटाक्ष किया, जिन्होंने पथराव किया शोभा यात्रा पर उनको क्लीन चिट दे दी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, फिर आज बैर द्वेष और वैमनस्य क्यों? ये देश हमारा ही तो है, पर क्या इस देश में अमन चैन शांति है? क्योंकि बिहार के सासाराम से लेकर हावड़ा में रामनवमी पर हुई हिंसा पर जो झकझोर देने वाली तस्वीरें आई हैं, उससे तो यही लगता है कि हम आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो बैठे हैं। बिहार के सासाराम और वेस्ट बंगाल में रामनवमी के दिन क्या हुआ, कैसे हुआ और इस बवाल की वजह क्या थी, सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल के लिए लाइक या सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो तुरंत दबा लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आज बिहार बुरा हाल में है। कल तक यहां एक बुलंद आवाज मनीष कश्यप को दबाया जा रहा था, पर आज यहां की पुलिस मनीष पर दबाव बनाने में इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि रामनवमी के दिन जब जुलूस निकला तो वहां कोई पुलिस मौजूद नहीं थी। जैसा कि हमेशा ही होता आया है, जब कोई बड़ी वारदात या घटना घटित हो जाती है तब जाकर पुलिस होश में आती है। सासाराम में रामनवमी के ठीक बाद दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, झड़प भी ऐसी जिसने दंगे का भयानक रूप ले लिया। कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। दो गुटों में पहले बहस फिर लड़ाई और जिसके बाद जमकर पथराव हुए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने शुक्रवार को धारा 144 लागू कर दी। और ये सिर्फ बिहार के सासाराम में नहीं हुआ है दोस्तों, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के बिहार शरीफ में भी हुआ। यहां भी प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी। इस इलाके में उपद्रवियों ने आगजनी और तोड़फोड़ करके निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सासाराम में तो गुरुवार की रात हुए विवाद की खुन्नस शुक्रवार की सुबह 10 बजे निकाली गई। गुस्से का शिकार आसपास की कई दुकानें भी हुई। उपद्रवियों के रास्ते में जो भी आया उसे हिंसा का शिकार होना पड़ा, चाहे वो आसपास खड़े कई वाहन ही क्यों ना हो। इस पत्थरबाजी में अब तक 12 लोग घायल हो चुके हैं। अब जाकर पुलिस की टीम लगातार बिगड़े हालात को संभाल रही है। 2 अप्रैल को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी जनसभा होने जा रही थी। इससे ठीक पहले यहां के हालात ऐसे बिगड़े कि नवादा में अमित शाह का प्रोग्राम भी कैंसिल करना पड़ा। बिहार में दंगाइयों के गुस्से का शिकार वहां की पुलिस भी। बिहार शरीफ में जब पुलिस माहौल को शांत कराने पहुंचती है तो वहां मौजूद उपद्रवियों ने पुलिस पर ही पत्थर मारना शुरू कर दिया। इस बीच राज्य की पुलिस ने इन घटनाओं की जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट के जरिए शेयर की है। बिहार पुलिस ने लगातार 3 ट्वीट्स किए हैं जिसमें उपद्रवियों की गिरफ्तारी से लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात तक कही गई है। और वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी रामनवमी के दिन बवाल ने हिंसा का रूप ले लिया। हावड़ा के शिवपुर में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसकी शुरुआत गुरुवार को हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर हो चुकी थी। यहां भी आसपास खड़े वाहन आग की लपटों में सिमट गए। बेखौफ दंगाइयों ने घटना को कवर कर रहे मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया। भीड़ का निशाना एक घर के ऊपर था जिसकी चपेट में कई दुकानें भी आईं, जिनमें रखे सभी सामान तोड़ फोड़ दिए गए। खास बात ये थी कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब वहां वर्दीधारी पुलिस भी मौजूद थी। हिंसा की वारदात पुलिस की मौजूदगी में हो रही थी और पुलिस मूक दर्शक की तरह तबाही का मंजर देख रही थी। ऐसे में सवाल प्रशासन पर उठता है कि आखिर एक दिन पहले हिंसा के बाद पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, जिसके चलते दूसरे दिन भी हिंसा शुरू हो गई। 2 दिन तक चले अशांत युद्ध के बाद पुलिस किसी तरह स्थिति पर काबू करने में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के शिवपुर क्षेत्र में कई घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। अब जाकर सुरक्षा बल मुस्तैद है। ड्रोन कैमरे से हिंसा प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। इस घटना की जांच खुद सीआईडी कर रही है और हावड़ा के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसको सुनने के बाद शायद आपके होश उड़ जाएंगे।
उन्होंने कहा कि मेरी आंख और कान खुले हैं, मुझे सब कुछ दिख रहा है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में शोभा यात्रा को लेकर ना जाएं। उनको सावधानी बरतनी चाहिए थी। मैंने कहा था कि रामनवमी पर रैली निकाली गई तो हिंसा हो सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर कटाक्ष कहते हुए जो कहा है वो भी सुनिए। ममता बंदोपाध्याय ने इस पथराव के बाद इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, रामनवमी की शोभा यात्रा पर इस प्रकार का प्रहार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने न सिर्फ शोभा यात्रा करने वालों पर कटाक्ष किया, शोभा यात्रा करने वालों को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन साथ ही उन लोगों ने जिन्होंने पथराव किया शोभा यात्रा पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर, उनको क्लीन चिट दे दी। पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म के साथ इस प्रकार का उपहास, इस प्रकार का प्रहार ममता बंदोपाध्याय के राज में पहला इवेंट नहीं है। पिछले साल भी लक्ष्मी पूजन के दिन दलित समाज जब लक्ष्मी पूजन को कर रहा था तब भी पश्चिम बंगाल के एक इलाके में लक्ष्मी पूजा करने वाले हिंदू समाज पर भी इसी प्रकार का प्रहार हुआ। ममता बंदोपाध्याय तब भी पश्चिम बंगाल की जनता को संरक्षित नहीं कर पाए। प्रश्न ये उठता है कि हिंदू समाज के खिलाफ ममता बंदोपाध्याय कब तक यूं ही प्रहार करती रहेगी, कब तक उन लोगों का संरक्षण करती रहेगी? सोचने वाली बात है ना, जहां देश के कई हिस्सों में दंगे और फसाद हो रहे हैं वहां राज्य के मंत्री एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगे हैं। इनसे राज्य की स्थिति तो सुधरती रही लेकिन अपने बयानों से समाज में तनाव और वैमनस्य जरूर पैदा करके दुराचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आज देश को इनकी नहीं बल्कि उन नेताओं की जरूरत है जो बातें कम काम ज्यादा करें। वैसे आपका क्या ख्याल है इस पूरे मामले में, कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना फोन उठाइए और फटाफट कमेंट करिए कि क्या इन नेताओं की जरूरत देश को है जो समाज में इस तरीके के विवादित बयान देकर इन हिंसाओं को और भी ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। देखते रहें इंडी टाइम्स, जहां सच वहां।